इसी टेस्ट सीरीज का दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं दूसरा प्रॉब्लम है क्या दे रखा है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ टू ए हेल्ड वर्टिकली विथ इट्स लोअर एंड इन कॉन्टैक्ट विथ अ रफ टल सर्फिस एंडशन एंड नॉर्मल रिएक्शन डिग्री और अभी है। कि ये वाला जो प्वाइंट है ना ये प्वाइंट अभी स्टेशनरी है क्यूँकी क्वेश्चन में ये दे रखा है मान लो की अभी स्लिपिंग स्टार्ट नहीं हुआ है कब स्टार्ट होगा कितने डिग्री के बाद स्टार्ट होगा वो सब मैं डिटेल में समझाऊंगा इनिशियली रॉड ऐसे वर्टिकली था आपने इसको यहाँ से रिलीज कर दिया रिलीज करने के बाद ये रॉड ऐसे रोटेट करने लगेगा ये वाला जो एंड है लोअर एंड अभी स्लिपिंग स्टार्ट नहीं किया है रॉड का जो लोअर एंड पहले यहाँ पे था अभी भी यहीं पर है तो ये आपको एक बहुत ही अच्छा और आसान केस लग रहा होगा कि अरे ये तो गजब हो गया ये वाला एंड तो स्टेशनरी है तो सारा कुछ कैलकुलेशन क्यों ना हम लोग इसी एंड के अबाउट कर लें बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं आगे मैं ऐसा करूंगा भी तो सबसे पहले इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बना ले इसका एम नीचे की तरफ लगेगा ही नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा अब वो किस डायरेक्शन में लगेगा सोचने वाली बात है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग टुवॉर्ड्स राइट लगा लेते हैं अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे टुवर्ड्स राइट right मान करके और मान लीजिए कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो कोई बात नहीं है इसका मतलब ये होगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है बेचारा बहुत ही अच्छा होता है बहुत ही एडजस्टिंग नेचर का होता है उसका डायरेक्शन भी आप उल्टा कर दीजिए बेचारा हल्ला नहीं करता है बोलता है कि चलो भाई लास्ट में कैलकुलेशन करना अगर मैं नेगेटिव आ जाऊँ तो मेरा डायरेक्शन पलट देना तो आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के डायरेक्शन को किधर भी ले सकते हैं मान लेते हैं कि ये टुवर्ड्स राइट right है कैलकुलेशन करेंगे अगर ये नेगेटिव आ गया तो हम लोग मान लेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर पीछे की तरफ लग रहा था अब इस रॉड का ये सेंटर ऑफ़ मास है यहां पे सी का पोजीशन क्या होगा क्योंकि अभी हम लोग आगे एन इक्वेशन लिखेंगे तो आपको कौन सा इक्वेशन लिखना पड़ेगा एफ इज इक्वल टू एम ए न्यूटन सेकेंड लॉ तो उसके लिए आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन चाहिए एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में वो सब तो चाहिए ही तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा उसी मेथड से फाइंड करते हैं जिस मेथड से पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया था ये अगर ए है और ये एंगल थीटा है तो आप लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा बिल्कुल लिख सकते हैं एक्स क्या है पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये डिस्टेंस है ए ये एंगल अगर थीटा हो गया तो ऑब्वियसली ये नाइन्टी माइनस थीटा होगा तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ए इंटू कॉस नाइन्टी माइनस थीटा यानी कि ए साइन थीटा उसी तरह आप ये भी लिख सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू ए कॉस् थीटा सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट यानी कि इसका हाइट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ए साइन थीटा थीटा हमने एंगल ये लिया है एंगल मेड बाय द रॉड विथ वर्टिकल जनरली इस तरह के क्वेश्चन में वर्टिकल से ही एंगल लेते हैं क्योंकि इनिशियली ये रॉड भी वर्टिकल था और क्वेश्चन में भी आपसे पूछा है कि वर्टिकल से इतना एंगल हो गया तो ओमेगा बताओ एन बताओ एफ बताओ अब इस सेंटर ऑफ मास की वेलॉसिटी कैसे फाइंड करें एक्सोलेशन कैसे फाइंड करें बहुत सिंपल है इस एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करिए तो एक्स डॉट आ जाएगा उसी एक्स डॉट को एक बार और डिफ्रेंशिएट करिएगा तो एक्स डबल डॉट आ जाएगा एक्स डबल डॉट क्या देगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन उसी तरह वाई डॉट करिएगा तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आएगा वाई डबल डॉट करिएगा तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन तो ये बेसिक फंडा होता है इसको हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर आपको पोजीशन दिया हुआ है तो उससे वेलोसिटी और एक्सलेशन कैसे फाइंड करते हैं एक्स डॉट इज इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस थीटा इन थीटा डॉट ध्यान रखिए यहाँ मैंने थीटा डॉट लिखा है और ये थीटा डॉट क्या है जो हमने पिछले पार्ट में बताया था थीटा डॉट इज इक्वल टू ओमेगा तो कहीं मैं थीटा डॉट लिखूंगा कहीं मैं ओमेगा लिखूंगा उसी तरह थीटा डबल डॉट होगा अल्फ़ा कहीं मैं थीटा डबल डॉट लिख दूंगा कहीं मैं अल्फ़ा लिख दूंगा मेरी मर्जी मैं जो चाहूँ करूँ तो x डॉट ये हो गया y डॉट क्या हो जाएगा y डॉट इज इक्ल टू हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा इंटू थीटा डॉट अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए तो x डबल डॉट हो जाएगा इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a cos थीटा क्या हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा इंटू थीटा डॉट और थीटा डॉट का स्क्वायर लेना पड़ेगा क्योंकि आप चेन रूल से कॉस् थीटा को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा और डेरिवेटिव ऑफ थीटा तो डेरिवेटिव ऑफ थीटा हो गया थीटा डॉट तो ये वाला पहले वाला थीटा डॉट और ये थीटा डॉट दोनों मिल करके थीटा डॉट स्क्वायर हो गया अगला टर्म हो जाएगा प्लस ए कॉस थीटा इंटू थीटा डबल डॉट इस एक्स डॉट को एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अब इसमें दो टर्म है दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यूजिंग प्रोडक्ट रूल कॉस थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस थाइन थीटा आएगा उसके डिफरेंशियल में एक थीटा डॉट भी आएगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये थीटा डॉट स्क्वायर हो जाएगा इस स्क्वायर को ऊपर कर देते हैं ना इसलिए मैं इस थीटा डॉट को नहीं लिखता हूँ हटाओ भागो यहाँ से थीटा डॉट में यही झंझट होता है कि डॉट और स्क्वायर में ना कन्फ्यूजन होता है तो ओमेगा स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ से इस थीटा डबल डॉट को भगाओ भाई भाग 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 इसको कर देते हैं अल्फा अब तो क्लियर होगा सबको उसी तरह y डबल डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए कॉस थीटा इसके डिफरेंशियल से एक थीटा डॉट आएगा वो थीटा डॉट और ये थीटा डॉट यानी कि ओमेगा इंटू उमेगा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर क्योंकि इसमें दो टर्म है दोनों को आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा प्रोडक्ट रूल से तो अगला टर्म हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा और थीटा डबल डॉट हो जाएगा थीटा डबल डॉट क्या हो जाएगा अल्फा तो ये हमने फाइंड कर लिया कि ये जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो एक्सलरेशन होगा उसका एक्स कंपोनेंट क्या है वाई कंपोनेंट क्या है और ये हम लोग क्यों फ़ाइंड कर रहे हैं ये हम लोग इसीलिए फाइंड कर रहे हैं ताकि फाइनली हम लोग ये लिख सकें कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ़ है दिस एफ़ इज इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट क्योंकि सेंटर ऑफ मास का एक्स डायरेक्शन में अगर कुछ एक्सेलरेशन हो रहा है तो वो किसके कारण होगा इस एफ़ के कारण होगा क्योंकि इस पूरे सिस्टम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में इस एफ़ के सिवा तो और कोई दूसरा माइका लाल है नहीं जो एक्सेलेशन प्रोड्यूस कर सके एक्स डायरेक्शन में तो एफ़ इज इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट लिख सकते हैं उसी तरह ये एन और ये एम जी इन दोनों का नेट क्या हो जाएगा एन माइनस एम जी दिस इज इक्वल टू एम वाई डबल डॉट ए वाला लिख सकते हैं तो ये दो इक्वेशन हम लोग लिखना चाहते हैं उसके लिए हमें x डबल डॉट और y डबल डॉट चाहिए जो हमने फाइंड कर लिया अब अगर आप इस सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन फाइंड करना चाहते हैं तो ये तो एक तरीका हुआ कि पहले आपने सेंटर ऑफ मास का पोजिशन लिया फिर उसको डिफ्रेंशिएट किया तो वेलासिटी मिल गया फिर वेलासिटी को एक बार और डिफरेंशिएट किया तो एक्सलेशन मिल गया ये एक तरीका है बिल्कुल सही तरीका है ये तरीका भी आपको समझ में आना चाहिए लेकिन एक दूसरा भी तरीका है वो मैं बताता हूं कि वो तरीका क्या है दूसरा तरीका ये है कि अभी हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं और क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये वाला जो पॉइंट है लोअर पॉइंट ऑफ दिस रॉड ये अभी स्लिपिंग स्टार्ट नहीं किया है तो सारा कैलकुलेशन अभी उसी अजम्प्शन पे चल रहा है कि ये पॉइंट अभी स्टेशनरी है अगर ये पॉइंट स्टेशनरी है तो ये रॉड किस तरह का मोशन कर रहा है ये रॉड बेसिकली प्योर रोटेशन कर रहा है किस एक्सिस के अबाउट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस फिक्सड पॉइंट इस फिक्सड पॉइंट में आप एक घुसेड़ दीजिए परपेंडिकुलर एक्सिस उसी एक्सिस के अबाउट ये जो रॉड है रोटेशन कर रहा है ये रॉड रोटेशन कर रहा है रॉड ये रिजिट बॉडी है रिजिट बॉडी है इसका मतलब सेंटर ऑफ मास और इस पॉइंट ऑफ रोटेशन के बीच तो डिस्टेंस फिक्स है ना बिल्कुल फिक्स है तो ये पॉइंट ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ मास इसका डिस्टेंस तो फिक्स है और वो डिस्टेंस कितना होगा ये डिस्टेंस ए होगा तो क्योंकि ये रॉड इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है तो इस सेंटर ऑफ मास के पास क्या क्या एक्सेलरेशन होगा आप कहेंगे कि एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट ये एक्सेलरेशन होगा बिल्कुल सही आपका कहना है ये तो एक्सेलरेशन होगा ही लेकिन हम लोग ऐसे भी तो इसको समझ सकते हैं कि ये रॉड प्योर रोटेशन कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस इसका मतलब इस सेंटर ऑफ मास का एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होना चाहिए कितना ए अल्फा और एक रेडियल डायरेक्शन में सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होना चाहिए कितना ओमेगा स्क्वायर क्यों होना चाहिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी बॉडी अगर प्योर रोटेशन कर रहा है तो एक तो टेंजेंशियल एक्सलेशन हो सकता है ए अल्फा अगर एंगुलर एक्सोलेशन है तो और दूसरा ये वाला कॉम्पोनेंट हो सकता है ए ओमेगा स्क्वायर किसके कारण क्योंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अगर रोटेशन कर रहा है तो सेंट्रीपेटल एक्सोलेशन हो गया ए ओमेगा स्क्वायर तो इस सेंटर ऑफ मास के पास ये दो एक्सेलेशन होगा तो अब आप कहेंगे कि आपने ये क्या कर दिया अभी तो आपने बोला कि ये दो एक्सलेशन है और अभी बोल रहे हैं कि ये दो एक्सलेशन है तो दोनों में से कौन सही है मैं कहूँगा कि दोनों सही है दोनों सेम एक्सेलेशन को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट जब हम लोग लिखते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग एक्सेलरेशन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस रेफरेंस एक्सिस के अबाउट रिजॉल्व कर रहे हैं यही मतलब हुआ ना और जब हम लोग ऐसे लिख देते हैं ए अल्फा टेंजेंशियल डायरेक्शन में और रेडियल डायरेक्शन में ए ओमेगा स्क्वायर तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम एक्सेलरेशन को हम लोग टेंजेंशियल और रेडियल डायरेक्शन में डिकम्पोज कर रहे हैं रिजॉल्व कर रहे हैं एक्सेलरेशन एक ही है एक्सोलेशन क्या होगा इस सेंटर ऑफ मास का नेट एक्सोलेशन मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में कुछ होगा ए तो इसी एक्सिलेशन को जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग रिजोल्व करते हैं तो आपको एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट मिल गया इसी एक्सेलेशन को जब हम लोग टेंजेंशियल डायरेक्शन यानी कि परपेंडिकुलर टू रॉड एंड अलोंग रॉड इस दो डायरेक्शन में रिजोल्व करते हैं तो हमें ए अल्फा और ए ओमेगा स्क्वायर मिल गया तो एक्सलरेशन एक ही है लेकिन इसका रेफरेंस एक्सिस बदल गया तो इसलिए कॉम्पोनेंट बदल गया जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक हज़ार रुपये हैं तो इसको आप रुपीज़ एंड पैसे में भी लिख सकते हैं ना कि हाँ मेरे पास इतना वन थाउजेंड रुपीज़ है इतने पैसे हैं मान लीजिए कि आपका कोई अमेरिकन फ्रेंड है वो डॉलर और सेंट्स में बात करता है तो सेम अमाउंट ऑफ मनी को आप लिख सकते हैं कि हाँ मेरे पास फोर्टी फाइव डॉलर और सिक्सटी सेंट्स हैं कुछ इस तरह से लिख सकते हैं तो पैसे तो आपके पास सेम रहे ना वन थाउजेंड रुपीज़ कहिए या फोर्टी फाइव डॉलर सिक्सटी सेंट कहिए सेम मनी है अमाउंट ऑफ मनी तो सेम रहा बस रेफरेंस एक्सिस चेंज हो गया तो सेम एक्सेलरेशन को जब हम लोग एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आ गया इसी एक्सेलरेशन को जब हम लोग परपेंडिकुलर टू रॉड एंड पैरेलल टू रॉड रिजॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा ए अल्फा और ओमेगा स्क्वायर तो ये सब चीज़ें मैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें बहुत सारे क्वेश्चन में यूज हो सकती हैं अब मैं दिखाता हूँ कि ये जो दोनों रिप्रेजेंटेशन है दोनों एक्जैक्टली exactly सेम है आप एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन यहाँ पे ले लीजिए ये एंगल अगर थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा हो जाएगा होना ही है तो अगर आप ए अल्फा और ओमेगा स्क्वायर का वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अलोंग कॉम्पोनेंट लें तो क्या मिलेगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट लेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा इस ए अल्फा का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट और इस ओमेगा स्क्वायर का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट अब देखिए ये ओमेगा स्क्वायर तो इधर है तो इसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट तो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा नेगेटिव डायरेक्शन में होगा ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा तो इस ओमेगा स्क्वायर का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा और माइनस आएगा क्योंकि ये लेफ्ट डायरेक्शन में है तो एक्स डबल डॉट को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर ये कॉम्पोनेंट कहाँ से आया ये जो ए ओमेगा स्क्वायर है ना जो सेंट्रीपेटल एक्सलरेशन होता है और सेंट्रीपेटल एक्सलेशन होना ही है क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ मास है ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा है क्योंकि ये प्योर रोटेशन हो रहा है अबाउट दिस लोअर एंड ऑफ द रॉड तो सेंटर ऑफ मास तो सर्कुलर मोशन कर रहा है फिक्स रेडियस का रेडियस तो फिक्स होना ही है क्योंकि लोअर एंड अगर फिक्स है तो लोअर एंड और सेंटर ऑफ मास के बीच में रिजिड बॉडी है तो डिस्टेंस तो फिक्स हो गया तो ये सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है ओमेगा चेंज कर रहा है ओमेगा हम लोग जानते हैं कि इंक्रीज कर रहा है तभी तो ये अल्फा आया ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसलिए आया क्योंकि ओमेगा इंक्रीज कर रहा है तो ये वाला जो एक्सेलरेशन है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर उसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोरेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा इस ए अल्फा का कॉम्पोरेंट क्या हो जाएगा ये एंगल है थीटा तो हो जाएगा ए अल्फा कॉस् थीटा तो इसको लिख दीजिए प्लस ए अल्फा कॉस् थीटा ये हो गया अब उसी तरह y डबल डॉट लेते हैं यानी कि दोनों का y कॉम्पोनेंट लेते हैं तो इसका कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा a ओमेगा स्क्वायर का कॉम्पोनेंट नीचे की तरफ है और कितना हो जाएगा a ओमेगा स्क्वायर थीटा नीचे की तरफ है तो माइनस लीजिए तो ले लो माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस ए कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर तो सेंट्रीपेटल एक्सोलेशन हो गया उसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट में कॉस् थीटा इस थीटा के कारण लगेगा और नीचे की तरफ है इसलिए हमने माइनस लगा दिया इस ए अल्फा के कारण वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा ये एंगल है 90 माइनस थीटा यानी कि ए अल्फ़ा कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा और ये भी नीचे की तरफ है तो हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा अल्फ़ा तो आप यहाँ से देख लीजिए कि ये जो हमने एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट फाइंड किया और ये वाला जो फाइंड किया दोनों इंटायरली डिफरेंट मेथड से किया लेकिन दोनों एग्जैक्टली exactly सेम हो गया आप मैच कर लीजिए टर्म बाई टर्म यह मिलेगा क्यों मिलेगा क्योंकि सेम रॉड है ना इस रॉड के सेंटर ऑफ मास का तो सेम एक्सलेशन होना है आप कान को इधर से घुमा के पकड़िए या उधर से घुमा के पकड़िए बात तो एक ही है हमने पहले सेंटर ऑफ मास के पोजीशन का एक्स कोऑर्डिनेट लिखा वाई कोऑर्डिनेट लिखा इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिल गया दो बार डिफरेंशिएट किया तो एक्सलेशन मिल गया तो इस मेथड से यहाँ पर पहुँचें सेम चीज को आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास प्योर रोटेशन कर रहा है अबाउट दिस लोअर एंड

इस इक्वेशन को अब लिख सकते हैं दोनों डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में तो एफ इज इक्वल टू एम ए जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको एफ इज इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट उसी तरह वर्टिकल डायरेक्शन में आप देखिए क्या क्या फोर्सेज हैं एक तो ये एम जी है और ये एन है तो आप क्या लिख सकते हैं कि एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वाई डबल डॉट और ये एक्स डबल डॉट और वाई डबल डॉट ये सब किसके टर्म्स में होगा ओमेगा और अल्फा के टर्म्स में है लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि अननोन आपके पास क्या क्या होगा अल्फा भी अननोन होगा ओमेगा भी अननोन होगा उसी तरह ये एन भी अननोन है एफ़ भी अननोन है तो कैसे फाइंड किया जाए अननोन आपके पास चार आ गया है इक्वेशन बेसिकली आपके पास अभी दो ही हैं एक इक्वेशन तो आ जाएगा अगर आप चाहें तो अल्फ़ा और ओमेगा को डिफ्रेंशिएट वगैरह करके क्योंकि अल्फा और ओमेगा इंटायरली इंडिपेंडेंट नहीं है अल्फा जो है वो डी ओमेगा बाई डी है तो फिर भी लेकिन आपको तीन इक्वेशन तो चाहिए ही क्योंकि तीन अननोन है नॉर्मल रिएक्शन एफ और अल्फा और ओमेगा में से कोई एक तो तीसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा तीसरा इक्वेशन बहुत सिंपल है आप लोग सोच भी रहे होंगे कि क्यों ना हम लोग यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तीसरा इक्वेशन लिखें और बिल्कुल सही सोच रहे हैं अब तीसरा इक्वेशन लिखने के भी तीन तरीके हो सकते हैं अब हर चीज़ का मैं दो तीन तरीका इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए आपको अभी एक और इक्वेशन चाहिए किसमें ओमेगा में और थीटा में कहीं से भी एक इक्वेशन एक मिल जाए तो एक तरीका तो ये है कि आप ये वाला मेथड यूज करिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू प्लस डेल्टा के दिस इज इक्वल टू जीरो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे रॉड नीचे आ रहा है उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी इसमें कुछ आ रहा है और इस केस में बहुत अच्छी बात यह भी है कि आप इसमें सीधे सीधे एज्यूम कर सकते हैं कि रॉड जो है इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो सीधे यही हो जाएगा हाफ आई पी इंटू ओमेगा स्क्वायर इसमें आपको अलग से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वगैरह कंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं कंसिडर करने की जरूरत है सेंटर ऑफ मास तो अभी भी इसमें मूव कर रहा है बिल्कुल सही बात है मूव तो कर रहा है लेकिन किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है जो यहाँ पर ए होगा ए इंटू ओमेगा से तो ये जो रॉड है जब तक यहाँ पर स्लिपिंग स्टार्ट नहीं हुआ है लोअर एंड पे तब तक ये रॉड प्योर रोटेशन कर रहा है अबाउट दिस लोअर एंड तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है आप हाफ आई पी ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना तो बहुत आसान है सिंपल वो वाला जो फॉर्मला होता है ना एम जी ए इंटू वन माइनस कॉस्थीटा कर दीजिए इनिशियली सेंटर ऑफ मास ए हाइट पे था थोड़ी देर के बाद ये हाइट हो गया ए थीटा लॉस हो गया एम जी ए इंटू वन माइनस कॉस्थीटा तो इस रिलेशन का यूज़ करके आप ओमेगा और थीटा में एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं तो ये तो हुआ एक तरीका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा भी इक्वेशन लिखिए बिल्कुल सही है और इस केस में ध्यान दीजिए कि ये जो पॉइंट पी है मैं इसके अबाउट भी लिख सकता हूँ कि टी पी इज इक्वल टू आई पी इन टू अल्फ़ा बिल्कुल लिख सकते हैं और तीसरा मेथड ये हो सकता है कि मैं अबाउट सेंटर ऑफ मास लिख दूँ कि टॉर्क अबाउट सी दिस इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास इन अल्फा तो मुझे अभी एक और इक्वेशन चाहिए था दो इक्वेशन तो हमने लिख लिया एफ इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट एंड एन माइनस एम जी इक्वल टू एम वाई डबल डॉट एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट जो है वो ओमेगा और अल्फा के टर्म्स में है यहाँ से आप देख रहे हैं तीसरे इक्वेशन के लिए मेरे पास तीन मेथड हैं कौन सा मेथड यूज़ किया जाए फर्स्ट मेथड जो है वो सबसे फास्ट होगा सबसे आसान होगा एग्जाम में आए तो आप फर्स्ट मेथड यूज़ करिए सेकेंड मेथड जो है वो उससे थोड़ा सा रिलेटिवली ज़्यादा लंबा है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं थर्ड मेथड जो है वो सबसे लंबा है इसको एग्जाम में मत यूज़ करिएगा तो अभी आप कहेंगे कि अभी तो आप सिखा रहे थे कि हर वक्त आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लीजिए तो फायदे में रहिएगा यहाँ क्यों नहीं ले रहे हैं यहाँ मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास वगैरह करने जाएंगे तो आपको ये एन का भी टॉर्क लेना पड़ेगा इस एफ़ का भी टॉर्क लेना पड़ेगा और ये जो एन और एफ़ है ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का प्राणी है बहुत कोई सिंपल नहीं है एफ़ में देखिए क्या है एम एक्स डबल डॉट है एन में भी देखिए एम वाई डबल डॉट है अपने आप में ये गिजबिजाया हुआ है तो आप इन तीनों मेथड में से कोई मेथड यूज कर सकते हैं एग्जाम में लेकिन मैं कहूँगा ऑब्वियसली एनर्जी मेथड यूज करिए यहाँ पर मैं अभी आपको तीनों मेथड से कराऊंगा लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं है मैं क्या करूंगा कि थर्ड मेथड से स्टार्ट करूंगा जो सबसे डिफिकल्ट मेथड है थर्ड स्टेप से स्टार्ट करके मैं सेकेंड स्टेप पे पहुंच जाऊंगा और सेकेंड से स्टार्ट करके मैं फर्स्ट पे पहुंच जाऊंगा तो बेसिकली मैं दिखा दूंगा कि ये तीनों जो मेथड है इक्वेलेंट है तीनों जो स्टेटमेंट है इक्वेलेंट है आप किसी एक से दूसरे पे पहुंच सकते हैं इक्वेलेंस का मतलब यही होता है तो स्टार्ट करते हैं थर्ड मेथड से थर्ड मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा टॉर्क अबाउट सी तो टॉर्क अबाउट सी क्या लेना पड़ेगा इस नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क और इस एफ का टॉर्क नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क क्या हो जाएगा एन इन टू लिवर आर्म हो जाएगा ए साइन थीटा यानी कि एन ए साइन थीटा ये टॉर्क इधर की तरफ है एफ का जो टॉर्क है उल्टे डायरेक्शन में है तो जाएगा माइनस एफ ए थीटा दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होगा इस रॉड का एम ए स्क्वायर बाई थ्री होगा क्योंकि रॉड का लेंथ टू ए है इन टू अल्फा तो ये हो गया थर्ड मेथड का इक्वेशन अब इसमें आप एन और एफ कहाँ से फाइंड करिएगा यहाँ से जो एन है और यहाँ से जो एफ है इन दोनों को आप यहाँ पर सब्सिट्यूट कर दीजिए एग्जाम में इस मेथड से कभी मत करिएगा बहुत लंबा हो जाएगा आप अपने घर पे, रूम पे आराम से बैठ के इसको करिए तसल्ली से करिए मेरी गारंटी है कि जब आप इस रिलेशन को सॉल्व करिएगा तो आप कहाँ पहुँच जाइएगा मैं बताता हूँ कहाँ पहुँचिएगा आप पहुँच जाइएगा यहाँ पर कि एम जी ए साइन थीटा दिस इज इक्वल टू फोर बाई थ्री एम ए अल्फा आप यहाँ पहुँच जाइएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन को जब आप सॉल्व करिएगा तो आप यहाँ पहुँच जाइएगा अब ये देखिए आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है बहुत जाना पहचाना है बेसिकली ये सेकेंड मेथड का ही इक्वेशन हो गया सेकेंड मेथड में क्या है टॉर्क अबाउट पी तो टॉर्क अबाउट पी जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इस एन का तो कुछ टॉर्क होगा नहीं एफ़ का कुछ टॉर्क होगा नहीं टॉर्क किसका होगा सिर्फ इस एम जी का होगा एम जी का टॉर्क कितना हो जाएगा एम जी ए साइन थीटा और आई अल्फा क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट दिस पॉइंट पैरल एक्सिस थेरम लगाइए तो एम ए स्क्वायर बाई थ्री प्लस एम ए स्क्वायर फोर बाई थ्री एम ए स्क्वायर इंटू अल्फ़ा तो यहाँ से आपको अल्फ़ा देखिए कितनी आसानी से मिल रहा है थर्ड मेथड से भी मिलता थर्ड मेथड से भी एक्चुअली आप यहीं तक पहुँच जाते हैं तो ये जो सेकेंड मेथड का इक्वेशन है ना इसको ध्यान से देख समझ लीजिए आई थिंक जेई मेन्स में एक क्वेश्चन टू या फिफ्टीन फोटीन में कभी पूछा गया था बस यही इक्वेशन पूछा था कि एक रॉड ऐसा रोटेट कर रहा है उसमें तो यहाँ पर हिंज दे दिया था सरफेस भी नहीं था तो आपसे पूछा था कि अल्फा क्या होगा बहुत सिंपल इक्वेशन है बच्चे बच्चे को इक्वेशन आई थिंक पता होगा कि टॉर्क अबाउट पीच कल टू आई पी इन टू अल्फ़ा तो ये इक्वेशन आ गया तो हमने क्या दिखा दिया कि थर्ड मेथड और सेकेंड मेथड इक्विवेलेंट है थर्ड मेथड से जो इक्वेशन स्टार्ट हुआ था वो सेकेंड मेथड के इक्वेशन पे आप पहुंच गए हैं अब आप इस इक्वेशन को लेकर क्या करिएगा ये जो सेकेंड मेथड का इक्वेशन है इससे हम लोग आगे कैसे बढ़ें अल्फा क्या होता है अल्फा होता है डी ओमेगा बाय बाई डी टी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डी ओमेगा बाय बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी तो अल्फा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा ये स्टैंडर्ड तरीका है पचासों क्वेश्चन में मैंने खुद किया होगा अल्फा को आप ओमेगा और थीटा के टर्म्स में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्फाइजकल टू डी ओमेगा बाई डी टी उसको कर दिया डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी हो गया ओमेगा ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा तो अल्फ़ा को आप यहाँ पर हटा करके ऐसे लिखिए ना कैसे लिखिए इसको लिखिए अल्फा भाग जाए यहाँ से इसको आप लिखिए ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा इस डी थीटा को इधर ले आइए डी थीटा चलो भाई इधर आ जा अब आपको क्या लग रहा है बहुत आसान लग रहा है अब तो अब इसको क्या करिए कि इसको इंटीग्रेट कर दीजिए फ्रॉम लिमिट ज़ीरो टू थीटा एंगल यहाँ हो जाएगा जीरो टू ओमेगा जब इंटीग्रेट करिएगा तो देखिए एल में क्या आ जाएगा एल में आ जाएगा साइन थीटा के इंटीग्रेल होता है माइनस कॉस थीटा लिमिट्स डालिएगा तो हो जाएगा एम जी ए वन माइनस कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा फोर बाई थ्री एम ए स्क्वायर ओमेगा डी ओमेगा ओमेगा डी ओमेगा इंटीग्रेल क्या होता है हाफ ओमेगा स्क्वायर ठीक है तो आप इसको ऐसे लिखिए हाफ इंटू कर दीजिए फोर बाई थ्री एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ये कर सकते हैं इस चीज को देख लीजिए सेकेंड वाले से जो इक्वेशन आया था उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम लिमिट जीरो टू थीटा अब आप इसको देख करके कुछ लग रहा है कि ये जाना पहचाना सा है देखिए ये वाला जो है बिल्कुल जाना पहचाना है एल में क्या है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आर में क्या है गेन इन काइनेटिक एनर्जी और कानेटिक एनर्जी भी देखिए कैसा हाफ इंटू आई पी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट पी इंटू ओमेगा स्क्वायर तो ये कौन सा मेथड हो गया ये हो गया फर्स्ट मेथड यानी कि हम लोग थर्ड मेथड से स्टार्ट किए फिर सेकेंड मेथड पे पहुंच गए फिर सेकेंड से हम लोग फर्स्ट मेथड पे पहुंच गए तो अल्टीमेटली आपको यहीं पर आना था एग्जाम में जब इस तरह का क्वेश्चन आए आपसे कभी पूछ सकता है एग्जाम में कि ऐसा रफ सरफेस पे एक रॉड ऐसा अगर मूव कर रहा है और स्लिपिंग स्टार्ट नहीं हुआ है तो एंगल थीटा अगर मान लो थर्टी डिग्री है तो बताओ तो जरा ओमेगा क्या होगा तो आप सीधे इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं धरल्ले से कोई नहीं रोकने वाला है ये सब आपको कुछ नहीं करना है ये सब तो तब करना पड़ेगा जब आपको नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है तो यहाँ तक क्लियर होगा ओमेगा अगर आपको फाइंड करना है तो सीधा आप एक ये इक्वेशन लिखिए ये वाला क्या है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दिस इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी लॉस इन पी क्या हुआ एम जी ए इंटू वन माइनस कॉस्थीटा गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ और ये काइनेटिक एनर्जी देखिए पूरा का पूरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है और रोटेशन भी किस एक्सिस के अबाउट इस पॉइंट पी के अबाउट इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी देखिए फोर बाई थ्री एम ए स्क्वायर लिया है ठीक है हाफ मोमेंट ऑफ इनर्जिया इंटू ओमेगा स्क्वायर तो यहां तक पहुंच गए हम लोग तो इन तीनों इक्वेशन को फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इन तीनों को जब आप सॉल्व करिएगा तो आपको एफ़ की वैल्यू और एन की वैल्यू मिल जाएगी थोड़ा सा डिटेल्ड कैलकुलेशन है लेकिन बस वो कैलकुलेशन ही है उसमें फिजिक्स और कुछ इन्वॉल्व नहीं है तो इन तीनों इक्वेशन को जब सॉल्व करिएगा तो एफ की ये वैल्यू आ जाएगी एन की ये वैल्यू आ जाएगी अब इससे आप किसी भी एक पर्टिकुलर थीटा क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि थीटा इजकल टू थर्टी के लिए नॉर्मल एक्शन क्या होगा आप इसमें थीटा की वैल्यू थर्टी डिग्री डाल दीजिए आपको नॉर्मल एक्शन मिल जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिल जाएगा जो आपको चाहिए आपको यहाँ से मिल जाएगा अब जो इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ बताने वाला हूँ वो ये देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसका एक्सप्रेशन देखिए क्या है थ्री कॉस थीटा माइनस टू यानी कि साइन स्कीम से आप देख रहे हैं कि ये साइन चेंज कर रहा है यानी कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है इनिशियली जब थीटा जीरो से स्टार्ट करेगा तो ये चीज़ पॉजिटिव रहेगा यानी कि इनिशियली शुरुआत में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो टुवर्ड्स राइट होगा यानी कि जो डायरेक्शन हमने लिया था वो सही लिया था लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल होगा जहाँ पर इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा और वो एंगल क्या हो जाएगा जहाँ पर ये ज़ीरो हो जाए साइन स्कीम से देखिए तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज कल टू टू बाई थ्री यानी कि थीटा की वैल्यू अप्रॉक्सिमेटली फोर्टी एट डिग्री हो तो थीटा की वैल्यू जब फोर्टी एट डिग्री होगी तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है अभी तक टुवर्ड्स राइट right लग रहा था उसके बाद ये टुवर्ड्स लेफ्ट लगने लगेगा तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप यहाँ से ये देखिए कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एम जी बाई फोर इंटू वन माइनस थ्री कॉस थीटा होल स्क्वायर है तो इससे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव कभी नहीं होगा क्यों क्योंकि ये स्क्वायर ऑफ समथिंग है एम जी बाई फोर तो पॉजिटिव ही होगा ये अंदर वाला चीज़ स्क्वायर है नेगेटिव कभी नहीं होगा इसका मतलब ये जो रॉड है ना ये उछल करके ग्राउंड को कभी नहीं छोड़ेगा नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो होगा लेकिन बस वो एक इंस्टेंट के लिए होगा जब कॉस थीटा की वैल्यू वन बाय थ्री हो जाए वो थीटा करीब होता है सेवेंटी डिग्री के आसपास होता है थीटा जब सेवेंटी डिग्री हो तो कॉस थीटा की वैल्यू वन बाई हो जाती है तो उस इंस्टेंट पर जस्ट उस इंस्टेंट पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा लेकिन उसके बाद फिर से पॉजिटिव हो जाएगा तो ये रॉड जो है वो ग्राउंड को कभी नहीं छोड़ेगा ग्राउंड पे ही रहेगा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देखने वाली ये है कि नॉर्मल रिएक्शन जो है जैसे जैसे आप कॉस थीटा इक्वल टू वन बाई थ्री के पास जा रहे हैं यानी कि थीटा इक्वल टू सेवेंटी डिग्री के पास जा रहे हैं थीटा इज टेंडिंग टू सेवेंटी डिग्री तो क्या होगा ये नॉर्मल रिएक्शन बहुत ही छोटा हो जाएगा क्योंकि थीटा इजकल टू सेवेंटी डिग्री पे तो इसको जीरो होना है तो उससे जस्ट पहले नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा एकदम जीरो पॉइंट जीरो 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 वन न्यूटन टाइप्स का होगा यानी कि नॉर्मल रिएक्शन घटता जाएगा जब आप थीटा इजकल टू सेवेंटी डिग्री को अप्रोच कर रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन घट रहा है तो जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है सबको पता होगा ना फोर्स ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है म्यू एन होता है तो म्यू एन भी घटेगा थीटा इनिशियली ज़ीरो डिग्री है जीरो से बढ़ते बढ़ते ये 48 डिग्री तक आएगा बीच में 48 डिग्री का क्या रोल है क्योंकि 48 डिग्री वो एंगल है जहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्रॉक्सिमेटली ज़ीरो हो जाता है आप यहाँ से देखिए F की वैल्यू जीरो होने के लिए क्या करना पड़ेगा कॉस थीटा इजिक्वल टू टू बाई थ्री होना पड़ेगा तो कॉस इनवर्स टू बाई थ्री जो होगा वो वो अप्रोक्सीमेटली फोर्टी एट डिग्री होता है और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये कहाँ पर जीरो होगा नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा एट कॉस इनवर्स वन बाई थ्री इस पर्टिकुलर एंगल पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा केवल उस इंस्टेंट पे होगा और कॉस इनवर्स वन बाई थ्री होता है अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी डिग्री हो तो अब देखिए कि जैसे जैसे थीटा वेरी करता है नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या गुल खिलाता है नॉर्मल रिएक्शन जो है वो 70 डिग्री पे जीरो हो जाता है सिर्फ उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए उसके अलावा नॉर्मल रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव रहता है इसका मतलब ये जो रॉड है इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड को कभी नहीं छोड़ेगा नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर जीरो है सेवेंटी डिग्री पे जैसे जैसे थीटा की वैल्यू 70 डिग्री को अप्रोच करेगी नॉर्मल रिएक्शन घटता जाएगा घटता जाएगा बिल्कुल जीरो के आसपास होता जाएगा नॉर्मल तो रिएक्शन अगर आपका घटता जा रहा है तो क्या होगा मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा वो भी घटता जाएगा म्यू की वैल्यू आप कुछ भी कर दीजिए म्यू की वैल्यू आप टेन थाउजेंड बिलियन कर दीजिए लेकिन मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है म्यू पे साथ ही साथ एन पे तो एन अगर आपका टेन टू दावर माइनस ट्वेंटी फोर हो गया तो म्यू अगर टेन बिलियन है भी तो भी क्या हुआ मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो बहुत ही छोटा होगा जीरो पॉइंट जीरो 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 वन होगा तो उस केस में क्या होगा यहाँ पर स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा यानी कि इस सेटिंग में क्या होगा कि आप कैसा भी रफ सरफेस रखिए कितना भी उसको रफ कर दीजिए एज लॉन्ग एज इट इज नॉट इनफाइनाइटली रफ यानी कि म्यू की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं हो जाती है जो कि किसी भी रियल सिचुएशन में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि म्यू की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए एज लॉन्ग एज म्यू की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होती है तो स्लिपिंग तो होगा ही होगा और कहा होगा 70 डिग्री के पहले कहीं भी हो जाएगा क्योंकि 70 डिग्री के पहले कहीं भी रिक्वायर्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम लिमिट से क्रॉस कर जाएगा यानी कि ये जो सरफेस है उसकी औकात नहीं होगी इतना फ्रिक्शन प्रोवाइड करने की यानी कि स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा 70 डिग्री से पहले कभी ना कभी स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा अब स्लिपिंग लेफ्ट की तरफ होगा या राइट right की तरफ होगा वो किस पे डिपेंड करता है वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर है तो इस इक्वेशन से आप देखिए कि अगर थीटा की वैल्यू ज़ीरो से फोटी एट डिग्री के बीच में है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर पॉजिटिव है आप इस एक्सप्रेशन से देख सकते हैं इससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पॉजिटिव है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में है इसका मतलब अगर स्लिपिंग होगा तो लेफ्ट की तरफ होगा तो अगर 48 डिग्री से पहले स्लिपिंग स्टार्ट हो गया तो स्लिपिंग बैकवर्ड होगा और 48 डिग्री के बाद आप देखिए तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है नेगेटिव है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन नेगेटिव है यानी कि एफ़ इधर लग रहा है इसका मतलब अगर इसके बाद स्लिपिंग होगा तो स्लिपिंग टुवर्ड्स राइट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा 70 से पहले तो भैया स्लिपिंग होना ही होना है इस सरफेस की औकात ही नहीं है कि स्लिपिंग रोक लेगा चाहे आप दुनिया का कोई भी रफ से रफ़ सरफेस ले आइए इक्वेशन ही ऐसा बना है कि नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल जीरो की तरफ टेंड कर रहा है ज़ीरो हो रहा है नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो रहा है तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज़ीरो हो रहा है यानी कि जो रिक्वायर्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ये सर्फेस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा यानी कि स्लिपिंग होगा ही ये सरफेस स्लिपिंग को रोक नहीं पाएगा ये जो सरफेस है मैक्सिमम फ्रिक्शन जो प्रोवाइड कर सकता है वो म्यू एन के बराबर है और एन की वैल्यू बहुत कम हो जा रही है जब थीटा 70 डिग्री को अप्रोच कर रहा है तो स्लिपिंग तो होना ही होना है लेकिन स्लिपिंग फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा वो डिपेंड करता है कि स्लिपिंग 48 डिग्री से पहले स्टार्ट हुआ या 48 डिग्री के बाद स्टार्ट हुआ आई थिंक अब इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको इस सेटिंग में कभी भी जेई एडवांस लेवल में नहीं पूछा जाएगा